let us be more focused on working professional program, क्योंकि सर जो other programs हैं, अगर हम technical को छोड़ें तो फिर उन सब में तो online या distance mode से it is valid, but जब technical education की बात आती है और working professional, क्योंकि उन्हें job भी नहीं छोड़नी है और साथ ही साथ अपना जो कोर्स है वो भी परस्यू करना है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं और इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि अब हम कहाँ से करें, कैसे करें, वैलिड होगा या नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग सर प्लीज़ बताइए। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन पूजा। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे, खासतौर पर जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन करना चाहते हैं। और अदर देन टेक्निकल एजुकेशन ये क्वेश्चन आपको बहुत कम आते होंगे, क्योंकि कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, आर्ट्स में, साइंस में, नॉट साइंस, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन ए डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन लर्निंग मोड, तो उनको जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ती और वो अपना प्रोग्राम भी कर लेते हैं। बट जो टेक्निकल एजुकेशन में जो बीटेक एमटेक करना चाहते हैं बच्चे, किसी भी रीज़न से, चाहे अपनी अपस्किल करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, या फिर अपस्किल करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, हैज बिकम अ नेसेसिटी नाउ, नॉट इम्पोर्टेंट। और सैलरी हाइक्स के लिए, जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए और अपना प्रमोशंस के लिए उन बच्चों को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2020 में AICTE हैज़ कम अप विद अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड द स्टूडेंट्स दैट बीटेक और एमटेक। AICTE एक नोटिस लेके आया कि यूनिवर्सिटीज आर अलाउड टू कंडक्ट द क्लासेस इन एनी ऑफ द शिफ्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून, इवनिंग, वीकेंड। तो जो बच्चे काम कर रहे हैं कहीं पर भी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, इफ़ दे विश टू परस्यू बीटेक और एमटेक प्रोग्राम, और उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे कैन गो फॉर द इवनिंग क्लासेस और द वीकेंड क्लासेस, तो इट इज एज गुड एज डूइंग बीटेक एमटेक फ्रॉम द डिस्टेंस लर्निंग मोड। फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना, तो जॉब के बाद वो आराम से अपना क्लास कर सकता है। दिस इज द वन ऑप्शन। नंबर टू ऑप्शन, देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटीज आई सी जो एक मोड, एक लर्निंग मोड मैं बोलता हूँ WILP मोड यूज करके बीटेक एमटेक को ऑफर करती है। मैं यहाँ ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बीटेक WILP, तो WILP इज नॉट a word which only goes with the B.Tech M.Tech, because WILP is a learning mode. Work integrated learning mode. जहाँ पे मैं आपको एक example भी देता हूँ. For example, this guy is recording us. अभी let's imagine कि ये अभी एक घंटा पहले classroom में class करके आए और camera इन्होंने पकड़ लिया. तो it is exactly a work integrated learning program. Okay. कि वो पढ़ भी रहा है और साथ में अप्लाई भी कर रहा है। इट इज सिंपली एक्वायरिंग अ नॉलेज एंड अप्लाइंग दैट नॉलेज। पूरा एक साथ प्रैक्टिकल भी चल रहा है। तो जो लर्निंग आउटकम है वो 100% कैन बी अचीव्ड। सो दैट इज कॉल्ड WILP। बीटेक एमटेक ही क्यों, बाकी और में भी सब में ये हो रहा है। और अच्छा, अब ये यूनिवर्सिटीज WILP मोड में क्यों लाई, इन प्रोग्राम्स को पीछे 10 साल 15 साल में देखने को मिला है कि जॉब और जॉब रिक्वायरमेंट्स अपने आप को सस्टेन रखने के लिए नई चीज़ें को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया जी। इतनी एडवांसमेंट आई टेक्नोलॉजी में, वर्क इन्वायरमेंट में, कि जो इंजीनियर्स थे उनको दे कैन नॉट सस्टेन इनटू द जॉब मार्केट इफ़ दे विल नॉट रीस्किल, इफ़ दे विल नॉट अंडरगो, बहुत ज़्यादा हो गया, इफ़ दे विल नॉट अंडरगो इन फॉर द न्यू प्रोग्राम्स। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इट ऑलवेज चेंजेस विद द टाइम्स। अभी हुआ क्या है कि अब वो टाइम इंटरवल्स बहुत छोटा हो गया, हर 2-2, 3-3, 6-6 महीने में चीज़ें बदल जा रही हैं। तो अब ये जो इंजीनियर्स हैं ये क्या करें, एक तरफ से AICTE ने कर रखा था कि डिस्टेंस में, ऑनलाइन में बीटेक एमटेक इज नॉट अलाउड, तो यूनिवर्सिटीज हैव कम अप विद दिस WILP learning programs, which I will not say, that they run on a distance learning mode, but a sort of that mode.